तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पेश करी है हर फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पेश करता है कि इतने में कितना पैसा हुआ, इस कंट्री ने कितना ग्रोथ किया, इसकी बैंकिंग सुविधाएं कैसी हैं। ये हर कंट्री की जो कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पेश करता है, तो उसी में उसने रिपोर्ट पेश करी है कि स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में 50% तक का इजाफा हुआ है, 50% तक की बढ़ोतरी हुई है स्विस बैंकों में। भारतीयों के पैसे जो कि 101 करोड़ फ्रैंक, यहाँ आपको बता दूं फ्रैंक यानी कि लंदन की जो करेंसी है वहाँ की करेंसी को फ्रैंक कहा जाता है, 101 करोड़ फ्रैंक हुए हैं, यानी कि इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करते हैं 7,000 करोड़ रुपए आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये 50% तक का जो कि ज़्यादा इजाफा हुआ है 2018 में 2017 के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताने आया हूँ कि स्विस बैंक को लोग क्यों प्रीफर कर रहे हैं, स्विस बैंक क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, स्विस बैंक लंदन, आपको बता दूँ लंदन आपने नाम सुना है, जानते भी होंगे, वहाँ के जितने भी बैंक होते हैं उनको स्विस बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पे आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्विस बैंक में लोग पैसा क्यों डालते हैं और साथ ही वहाँ पे लोग क्यों प्रेफर करते हैं, बैंक के ऐसे नियम क्या हैं जो कि उन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं होता है, साथ ही इसके रिलेटेड और भी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप देख रहे हैं इंडियन फीवर चैनल और मैं हूँ रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि स्विस बैंक के ऐसे क्या नियम हैं जो लोग वहाँ ज़्यादा पैसा डालते हैं और लोग क्यों पसंद कर रहे हैं स्विस बैंकों में पैसा डालना और स्विस बैंक में इतना पैसों का इजाफा क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जान लेना है स्विस बैंक क्या है। जैसा कि मैंने बताया, स्विस बैंक लंदन के जो भी बैंक हैं उनको स्विस बैंक कहा जाता है। इनके रूल के बारे में हम जान लें, यहाँ पे एक सिक्योरिटी लॉ है जिसके अंतर्गत आपकी गवर्नमेंट को या फिर आपकी कंट्री में किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ का सिक्योरिटी लॉ है। अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप कितने भी करप्टेड हो क्यों ना हो, यहाँ से आप लोगों के इन्फॉर्मेशन को जो कि लीक नहीं किया जाएगा, ये बैंक का रूल कहता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पे लोग अब पैसे डालना क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे लोगों को टैक्स बहुत कम चुकाना पड़ता है। अगर वही चीज़ अगर इंडिया में अगर इतने लोग पैसे डालें तो उनको टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है, 5 से 6% तक का टैक्स यहाँ पे चुकाना पड़ जाता है जो कि इंडिया में, तो वहीं पे वहाँ पे लोगों को टैक्स जो कि चुकाना बहुत कम पड़ता है अगर वो ज़्यादा पैसे भी इसमें डालते हैं, तो इसलिए लोग एक्चुअली में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और साथ ही यहाँ पे लोगों को अगर ज़्यादा पैसे रखते हैं तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं और वहाँ पे इनकम टैक्स आप लोगों से पहुँच जाती है, पूछताछ करने आप लोगों घरों में छापा मारने लगती है। अब वहाँ पे वही पैसे डालते स्विस बैंक में तो वहां पे लोगों को कुछ नहीं पूछा जाता। अब कहीं से भी पैसा लाइए, किसी का मर्डर करके लाइए, किसी को लूट के लाइए या फिर कहीं से कमा करके लाइए, आपसे कभी नहीं ये पूछा जाएगा जब तक कि आप करप्ट नहीं होते हैं लंदन की कंट्री में, या फिर लंदन में आप करप्ट नहीं होते हैं तब तक आप लोगों के बैंक की इंफॉर्मेशन आप लोगों के गवर्नमेंट को या फिर वहां की गवर्नमेंट तक नहीं निकाल सकती है, जब तक वहां पे आप करप्ट नहीं होते हैं, जब तक वहाँ पे आप भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होगी, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आपके और बैंकों के बीच में रहेगी। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा प्रेफर करते हैं डालना और साथ में अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि टैक्स को बचाना चाहते हैं यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट से और साथ में इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं, जो कि एक तरह से ये काला धन हो जाता है अगर हम स्विस बैंकों में पैसा डालते हैं या फिर वहाँ अकाउंट खुलवा के अपनी गवर्नमेंट से छुपाते हैं, टैक्स देने से बचते हैं, तो वो एक तरह से काला धन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई बैंक कर्मचारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है तो उसको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ता है और साथ में उसको 6 महीने तक की जेल हो जाती है। आपको बता दें यहाँ जुर्माना लगभग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 36 लाख रुपए का जुर्माना आता है, 6 महीने की जेल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर निर्धारित है अगर कोई भी बैंक कर्मचारी वहां पे इन्फॉर्मेशन को लीक करता है। तो दोस्तों ये है रीजन कि हम भारतीय ज्यादा वहां पे पैसा डालना क्यों पसंद करते हैं। भारतीय ही क्यों, पूरी दुनिया से लोग स्विस बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे बढ़िया तो कर नहीं देना पड़ता और साथ में वहां के लोग आपके पैसों का सही यूटिलाइजेशन करके आपके पैसों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कोई भी प्रेफर करना चाहेगा स्विस बैंक में पैसा डालना, लेकिन अगर आप अपनी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ज्यादा हो सके अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप प्लीज आप अपनी कंट्री के बैंकों में डालिए, आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो वो कंट्री की भलाई में ही काम आता है। तो अगर हो सके आप लोगों से तो आप स्विस बैंकों को छोड़ करके इंडियन बैंक में भी
पैसा डालिए जहां से आप लोगों का पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो, आप लोगों से सही टैक्स लिया जा सके और आप काले धन को छोड़ करके एक सफ़ेद धन बना सके और लोगों के नज़र में, अपने नज़र में खुद ऊपर उठ सके, चोर बनने से बचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो, और साथ में इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को बताइए कि लोग स्विस बैंक में पैसा डालना क्यों प्रेफर कर रहे हैं, और साथ में इससे रिलेटेड और भी जानकारी लोगों को मिल जाएगी जैसा कि आप लोगों को मिली है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की और जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।